जी दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आरसम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेकंड ग्रेड रिजल्ट आउट हो चुका है। अभी अभी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आउट हुआ है। एसएस सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है सबसे पहले आउट किया गया दोस्तों, सोशल साइंस का। तो सेकंड ग्रेड का आपको ध्यान हो तो एग्ज़ाम में जो है 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में हुआ था, दो चरणों के अंदर हुआ था। इस एग्ज़ाम को लगभग दोस्तों बात करें तो 9-10 महीने के आसपास हो चुके हैं। जिस प्रकार से हेडमास्टर का रिजल्ट पिछले सप्ताह जारी किया गया था 19 जुलाई 2019 को, तो इसी प्रकार से ये रिजल्ट भी जारी हो चुका है। और इस रिजल्ट्स को किस प्रकार से जारी किया आरपीसी ने, जैसा कि आरपीसी ने पहले किया था कि एचएम का रिजल्ट जैसे जारी किया गया 2 गुना के अंदर, उसी प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी भी वैचारिक सूची जो है वो जारी की जाएगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसी प्रकार से सेम रिजल्ट जारी किया, इसको मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। आरपीसी की साइट अगर नहीं चलिए तो आप हमारी साइट पर इस पर देख सकते हो, मैं पूरा रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि दोस्तों ये आप रिजल्ट देख रहे हो, आपके सामने रिजल्ट है 29/7/2019 को जारी किया गया। वरिष्ठ अध्यापक 2018 पदों के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 20 के तहत किया गया, जिसके अंदर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के अधीनस्थ लिपिक की और चतुर्थ श्रेणी भर्ती नियम शर्तें 2025 नियम के TSP और नॉन TSP दोनों का रिजल्ट है। ग्रुप प्रथम और प्रथम प्रश्न पत्र सामने की दिनांक 28/10 को और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 29/10 को लिया गया था। उक्त परीक्षा के फलस्वरूप जो रोल नंबर अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु विचारी सूची रखी गई, प्रोविजन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबिलिटी चेकिंग अस्थायी रूप से शामिल किया गया, जैसा कि हेडमास्टर के अंदर जारी किया गया सेम वैसा का वैसा किया गया। ये सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थ्यता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। तो यानी दस्तावेज सत्यापन करने में सबसे पहले इसमें आपको दस्तावेज सत्यापन के कार्य की काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समुपस्थित हुए और काउंसलिंग में विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अन्य यथासंभव जारी किया। जिस प्रकार से हेडमास्टर का आज जारी किया गया है, उसी प्रकार से ये मतलब काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसके रोल नंबर जो है अभी जारी किए गए वो आप देख सकते हो कि ये उसके बाद में मुख्य सूची और आरक्षित सूची जारी की जाएगी। तो अभी जिस प्रकार से हेडमास्टर के 2 गुना के अंदर जारी किए गए थे, इसी प्रकार से जितनी सीटें इसके अंदर है इसका 2 गुना के अंदर जारी किया गया है। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले TSP के रोल नंबर है जो आपको स्क्रीन पे धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख लें और एक एक सीट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस सीट को आप अच्छी तरह से देख लें, आपके रोल नंबर कहीं पोज करके भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास लिस्ट नहीं पहुंची है तो पहुंच गई तो अच्छी बात है। इस पर 466 कैंडिडेट टोटल हो गए। नॉन TSP की बात करें तो नॉन TSP के अंदर आप देख सकते हो जो तीसरा पेज है, ये आपके सामने तीसरा पेज है, इस पर ये आपके रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं। ये रोल नंबर जो है सिलेक्टेड रोल नंबर हैं और इन रोल नंबरों को एक बार आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं समझना है। इस रोल नंबर को आपको केवल ये समझना है कि इस रोल नंबरों को जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी और काउंसलिंग के माध्यम से ये वैचारिक सूची है, अगर डॉक्यूमेंट आपके सही पा गए तो फिर फाइनल सूची जारी की जाएगी। तो अब हर भर्ती के अंदर RPC इसी प्रकार से करने जा रही है। जिस प्रकार से हेडमास्टर भर्ती के अंदर किया तो सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया, इसलिए लोगों को कुछ दिक्कत भी थी कि एक फाइनल सूची क्यों नहीं जारी की गई, लेकिन अब सब आने वाली भर्तियों में RPC इसी प्रकार से करेगी। तो आप ये रोल नंबर देख सकते हो, ये आपके इसमें कहीं अगर आपके रोल नंबर हो तो आपको जल्द ही इसकी काउंसलिंग मिलेगी और काउंसलिंग के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे। सबसे पहले सामाजिक का रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद में अदर जो सब्जेक्ट हैं 5 विषय और बचे हैं सेकंड ग्रेड के सब इस प्रकार से जारी होंगे। तो इसमें आप देख रहे हो ये आपका 9 नंबर पेज है और ये वाला आपका 10 नंबर पेज और ये लास्ट पेज है जो 11 नंबर का पेज है। तो ये इसमें टोटल जो बात करें तो 4,493 किए गए हैं, जो कि इसमें कितना गुना है वो आप अपना आइडिया लगा सकते हो पदों के हिसाब से। तो ये इसने वैचारिक सूची जो है RPC ने जारी कर दी है। इसी प्रकार से RPC अभी हर भर्ती के अंदर ऐसा करने वाली है। तो आपको इन रोल नंबरों को अभी केवल है अपनी विचारी सूची माना गया, इनको विचार किया गया, RPC द्वारा पात्र घोषित तभी किया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये साफ साफ लिखा गया RPC द्वारा। तो दोस्तों देख रहे हो आप रिजल्ट सेकंड ग्रेड का। इसी प्रकार से आपको इससे संबंधित और कोई सूचना होगी तो इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पर दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।